दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर। और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। दोस्तों राम राम। ये देखिए रोहित, रोहित टमाटर पौधा ही उखाड़ लो, बैठ के टमाटर छाया में तोड़ लेंगे, पौधा ही उखाड़ लो। हाँ हाँ, नहीं नहीं काटना नहीं है, उखाड़ना है। हाँ तो दोस्तों आज हम भरेंगे इन कंटेनरों को। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि खराब से खराब मिट्टी सोना बन जाती है, जिस तरीके से मैं कंटेनर भरती हूँ, आपकी बिल्कुल ना उपजने वाली मिट्टी जिसमें कुछ नहीं होता उसमें भी ढेर सारी सब्जियाँ होंगी। बस इस तरीके से आप अपने कंटेनर को भरें। ये देखिए इसको मैंने ऐसे बना दिया, अभी अभी आपसे बात करते करते तो ये ऊपर चढ़ेगा आज। इससे मैंने करेला मत उखाड़ना ना, करेला का पेड़ तो नहीं था ना, क्योंकि करेला बहुत फ्लोटिंग कर रहा, भले यहाँ से डाल काट दो उसी में चला जाए। तो दोस्तों यहाँ से देखिए हमने उखाड़ लिया, ये बड़ी सुंदर सी भाजी है, इसको भी हम उखाड़ लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम खराब से खराब मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, ढेर सारी हम बनाते हैं पत्ते की खाद। तो ये दो कंटेनर आज हम टमाटर इसमें हैं, लेकिन अब हो गया, अब इससे जो भी टमाटर मिल जाएगा किलो, दो किलो, तीन किलो कच्चे पके, इनको हम तोड़ लेंगे और इसको हम मिट्टी को तैयार करेंगे। चूंकि बारिश में दोस्तों नहीं हो सकता, इसलिए आप गर्मी में ही अपने सारी मिट्टी को, सारे कंटेनर को तैयार कर लीजिए। पौधा सूखना नहीं चाहिए रोहित, अगर अभी नहीं दिखेगा तो सूखने के बाद दिखेगा। ये तो तोड़ा तो नहीं, हाँ तो तोड़ना नहीं। हाँ हाँ, तो इस तरह से दोस्तों हम ये कंटेनर को करेंगे खाली और दिन भर मिट्टी में लगवाएंगे धूप। फिर इसको हम किस तरीके से भरते हैं हम आपको दिखाएंगे, और किस तरीके से हम अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं हम ये भी दिखाएंगे, वो भी जीरो बजट में। आपका कुछ भी नहीं लगना है, मेहनत लगनी है आपकी। देखिए दोस्तों इस तरह से सूखे पत्ते हम जब पत्ते गिरते हैं ना हम कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, दो बोरी आपने देखा, ये तीसरी देखिए, चौथी देखिए, पांचवी देखिए। इस तरह से हम अपने कंटेनर भरते रहते हैं, जब हमें ज़रूरत होता है उसके पहले ही हम इनको कलेक्ट कर कर रख लेते हैं। और किस तरह से इनको भरते हैं हम आपको दिखाएं। इस तरह से हम दोनों कंटेनर की मिट्टी खाली करके और इसको धूप लगाएंगे दिन भर की, ताकि ये मिट्टी हमारी अच्छी हो जाए, किसी भी तरह की कीड़े मकोड़े फंगस कुछ भी हो वो ख़त्म हो जाए। धूप बहुत तेज़ है, दिन भर की धूप ही पर्याप्त है। देखिए नीचे किस तरह से हमने इसमें खाद बनाया हुआ है, दिखाओ रोहित खाद। इसी तरह से दोस्तों हम हर बार अपनी मिट्टी को सोना बनाते हैं और हर बार हमारी मिट्टी उपजाऊ हो, फोड़ के दिखाओ उपजाऊ हो। ये देखिए पत्ता सड़े, हाँ ये कंपोस्ट है, लीप कंपोस्ट और गार्बेज जो भी रहता है सब हम इसमें डाल देते हैं, वो नेक्स्ट बार हमें तैयार मिलता है और हमारी मिट्टी को पूरा पत्ता, हाँ ये सारा पत्ता है देखो। तो ये सबको हम सुखा देंगे, नेक्स्ट बार ये हमारी इसमें मिल जाएगा और हमारी मिट्टी को बहुत ही ताकतवर बनाएगा। देखिए नीचे पूरा वही खाद रहता है, हर बार हम बड़े बड़े गार्बेज भी इसमें डाल देते हैं अपने गार्डन के। जैसे कि ये टमाटर है ना, टमाटर को तोड़ लेंगे और इसको हम इसके नीचे डाल देंगे। तो इस तरह से रुक न भाई, इस तरह से हम अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं। और खराब से खराब मिट्टी भी सोना बन जाती है और लहलहाती है और फ्रूटिंग करती है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप उगाएं, आगे की सारी प्रक्रिया हम आपको बताते रहेंगे। अभी तो बस कंटेनर को खाली करके हम धूप लगवाएंगे मिट्टी में। एक कंटेनर हमारा खाली हुआ दोस्तों, अब देखिए ये किस तरह से इसमें नीचे दिखाओ पत्ते जो हम सड़ाते हैं, जो कंपोस्ट करते हैं, किस तरह से खाद बनी हुई है और कितनी सुंदर खाद बनी हुई है। आप हमारी मिट्टी को देखिए, इतनी हल्की मिट्टी, पूरी खाद है ये देखिए। तो दोस्तों इसको, दोनों कंटेनर को आज हम भरेंगे, तो इनको हम करेंगे खाली और खाली करके हम लगवाएंगे इनमें धूप। ये हमारा खाली हो गया, तो इससे तगाड़ी से करो ना, जल्दी होगा। दोस्तों ये हमारी जो टैंक वो है ना, टंकी यहाँ है, जो कंटेनर है ये गहरी है, ये हमारी बेल वर्गीय सब्जियों के लिए है, वो भल प्लास्टिक बिन लेना। ये देखिए ये जो इधर ये हमने बनाया है ना, तो बेल वर्गीय के लिए बनाया है, इसलिए इसमें मतलब कि टंकियाँ गहरी हैं। तो बेल वर्गीय के लिए आप लोग गहरे ही कंटेनर चुने,
उसी में ही होता है। तो दोस्तों पहले हम इसको भरेंगे बहुत अच्छे से सूखे पत्तों से। नीचे एक लेयर मिट्टी है, एक तगाड़ी हमने मिट्टी छोड़ दी है, तो एक लेयर मिट्टी है और बाकी हम भरेंगे इसमें सूखे पत्ते और जो भी हमारे गार्डन का गार्बेज होगा उसको हम भरेंगे। तो दोस्तों इसको पूरी तरह से ऊपर तक आपको पैक कर देना है, इतना भरना है इसमें सूखे पत्ते, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सूखे पत्ते की अगर आप खाद बनाते हैं तो उसके लिए अलग से कंटेनर अवेलेबल कराना मुश्किल होता है, क्योंकि इसको बड़ा कंटेनर चाहिए। तो इसलिए हम इन जैसे हमारी बड़ी बड़ी टंकियां हैं, आधी टंकियां हैं, एक टंकी का दो की है, इनमें हम बेलवर्गीय सब्जियां उगाते हैं जैसे देखिए उगी हुई हैं, तो इसलिए ये हमारी टंकियां गहरी हैं। तो इसमें हम बड़े बड़े बोरे में दो बोरे हमने डाल दिए पत्ते, अभी हम इसमें और पत्ते डालेंगे। तो दोस्तों ये मेरा तरीका है पत्ते की खाद बनाने का और अपनी मिट्टी को हल्का रखने का और उपजाऊ रखने का। तो ये मिट्टी हमारी निकल गई है, थोड़ी सी उसको हम फैला देंगे, इसको लगेगी बहुत अच्छे से धूप। इधर हमारा रखा हुआ है राइस हस्क जिसके साथ लीप कंपोस्ट भी मिक्स है, और ये हमारा राइस हस्क भी मतलब लगभग आधा कंपोस्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारी मिट्टी में लगेगा धूप और हम भरेंगे इनमें पत्ते। अब दिन भर इसमें हम धूप लगवाएंगे और पत्ते भरने के बाद हम जाएंगे नीचे, फिर हम मिलेंगे आपको शाम को। ये देखिए इस कंटेनर में भी थोड़ी सी मिट्टी हमने छोड़ी हुई है, क्योंकि मिट्टी ऊपर भी होनी चाहिए नीचे भी होनी चाहिए। मिट्टी के ही संपर्क में आके ये लीफ जो है पत्ते हमारे जल्दी कंपोस्ट होते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं ढेर सारी कंपोस्ट और अपनी मिट्टी को, खराब से खराब मिट्टी को हम बनाते हैं सोना, सोने जैसी कीमती। दोस्तों मार्केट में ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही आपको इतना अच्छा कोई बताएगा कि ऐसे करो तो आपके उसको उठा लो, प्लास्टिक उठा लो, आपके पौधे लहलहाएं। अभी और है ना पत्ता, तो दोस्तों इनमें पत्ते और लगेंगे, तो अभी हम इनको छोड़ देते हैं। अभी जितना पत्ता है हमारे पास हम डाल देते हैं, दो दो बोरी हमने बड़ी बड़ी बोरी में पत्ते डाल दिए, हम और पत्ते कलेक्ट करवा लेंगे। रोहित तो आज आया हुआ है ना, रोहित करके देगा हमको। तो अभी बड़ा सा बोरी में पत्ता है तो वो रोहित वो लेने गया है, अभी लेके आएगा तो फिर हम इसमें भरेंगे। इसमें डाल दो, उसी भी डालोगे? नहीं इसमें डालो, इसमें डालो, हाँ एक कंप्लीट कर दो, तोड़ मत देना रोहित, तुम तो टंकी के ऊपर ऐसे लादका रहे हो। ये देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ा बोरा है ये, और इसका हम पूरा पत्ता इसमें डाल देंगे। ये भी आधा कंपोस्ट हो चुका है लगभग, फैला दो अच्छे से। दोस्तों इसमें भी बढ़िया दिन भर की धूप लगेगी और इस मिट्टी में भी लगेगी। हाँ आधा ये आधा सड़ने लगा है ये, मतलब बारिश हो रही थी ना, जब बारिश हुई थी तब भीग गया था। उसमें डालो, छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसमें डालो। तो अब दोस्तों आधा उसमें डालेंगे और हम दो तीन बोरी और कलेक्ट कर लेंगे, जब तक ये थोड़ा और नीचे चला जाएगा। एक एक बोरी इनमें हम और डाल देंगे। ये देखिए फैला दो इसको, देखिए कंपोस्ट होना शुरू हो गया था। ऐसे अगर आप बोरियों में भी रखेंगे ना तो बोरियों में भी कंपोस्ट हो जाएगा, लेकिन बोरियों में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कंटेनर में भरते हैं तो आपकी मिट्टी में मिलकर। और जब आप पौधे लगाएंगे ना तो अभी भी आपके पौधों को ये पोषक तत्व तो देगा, और बाद में तो जब कंपोस्ट हो जाएगा तब तो ये देगा ही। एक फसल आप लेंगे तब तक ये तैयार हो जाता है, एक फसल 2 महीने लग जाती है तैयार होने में, तो 2 से 2.5 महीने में आपको ये कंपोस्ट मिल जाती है। ये देखिए अभी इनमें एक एक बोरी और आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको फैला दो मिट्टी को। तो दोस्तों अब मिलते हैं ब्रेक के बाद, दोपहर के बाद। दोपहर में हम नजर नहीं आएंगे आपको, दोपहर के बाद हम मिलेंगे। दोस्तों बहुत तेज धूप है, पौधे उगाइए, देखिए जरा सी छाया है, मैं यहाँ चेयर रख के बैठी हूँ, तो मतलब छाया कितना जरूरी है चिड़िया पंछी सबके लिए, इंसानों के लिए। कहते हैं ना पेड़ काटने वाले आए हैं और पेड़ की छाया में बैठे हैं, तो वही वाला हाल है। तो दोस्तों पौधे उगाइए। तो दोस्तों इसको हम धूप में थोड़ा सा फैला देंगे और अब हम चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा धूप में फैलाना है ताकि इसको बराबर धूप लग जाए। बस छोड़ो, आज एक फिर सुंदर सा फूल खिला है, तो हमने कहा दिखा दे छत से उतरते उतरते। तो दोस्तों हम आ गए फिर से अपनी छत पर, हमने 5 बोरी पत्ते डाले थे, देखिए कितनी बड़ी बड़ी बोरियां हैं, 5 बोरी पत्ते हमने डाले थे और 5 हम फिर से लेके आ गए, हम क्या रोहित।
तो ये देखिए 5 हम और लेके आ गए। इस टाइम पे अच्छे पत्ते मिल जाते हैं और ये तो हल्के कंपोस्ट भी हो चुके हैं। चलो ले चलो रोहित। तो दोस्तों इस समय आसानी से पत्ते मिल जाते हैं, आप भी कलेक्ट कर लीजिए। मेरे ख्याल से 2 बोरी ही आएगा रोहित, एक एक बोरी और। हाँ 2 बोरी डाल देंगे। तो दोस्तों ज़्यादा डालने का मतलब ये रहता है कि आपको ज़्यादा खाद मिलेगी, तो इसलिए ज़्यादा डालिए। फिर आपको बाद में खाद मिट्टी कुछ और कुछ भी डालने की ज़रूरत अपने पौधों में नहीं रहती है। बाई दबे अगर उसकी जड़ें दिखने लगे तो यही वाला मिक्स आप रखे रहिए और इसको डाल दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको भरा था, दिन भर की इसमें लगी धूप। अब इसको हम और भरेंगे, 1 बोरी पत्ते। वाह इतना बड़ा प्लास्टिक, तो इस तरह से हम और भरेंगे इसको। दोस्तों हमारी मिट्टी भी कितनी बढ़िया सूख गई है और हमें जो जो इसमें मिक्स करना है, क्योंकि ये तो वैसे ही इतनी खाद वाली मिट्टी है, लेकिन फिर भी हम नए सिरे से इसको तैयार करते हैं ताकि मतलब फिर से उर्वरा शक्ति से भरपूर रहे। प्लास्टिक हटाना है रोहित, मैं देख रही हूँ। तो इस तरह से अभी देखिए उसमें 1 बोरी और भरेंगे, पूरा ऊपर तक भरेंगे। बिल्कुल संकोच मत करिए कि अरे हम ऊपर तक भर देंगे तो मिट्टी कहाँ आएगी। बिल्कुल आपकी मिट्टी आएगी, ये मेरे को दिख रहा, तुमको नहीं दिख रहा। मेरा आँख मत मूदा करो, तो ये देखिए पूरा ऊपर तक जो है हम इसको भरेंगे। फिर जब इसमें हम ये मिक्स करके खाद और मिट्टी भरेंगे ना, भूसी वगैरह, तो फिर ये अपने आप पत्ते ऐसे नीचे जाते जाएंगे और ये अपनी जगह जो है ले लेंगे और ये कंटेनर हमारा बहुत खाली हो जाता है, यानी जितनी ज़रूरत है उतनी ही उतना ही रह जाता है। ऐसे अभी देखिए ऊपर तक भर गया ना, लग रहा है कि मतलब कितना ज़्यादा हो गया, बट ऐसा नहीं है, ये सब नीचे चला जाएगा और हमें ढेर सारी दोस्तों कंपोस्ट मिलेगी जब नेक्स्ट बार हम इस मिट्टी को पलटेंगे, तो हमें कितनी सारी खाद मिलेगी आप देखिए। और ये अभी भी हमारे पौधों को पोषण देगा, जब हमारे पौधों की जड़ें इस तक पत्ते तक जाएंगी तो ये हमारे पौधों को पोषण देगा और नेक्स्ट बार ढेर सारी लीफ कंपोस्ट मिलेगी जो हमारे पौधों को बहुत ही उर्वरा शक्ति देगी, मिट्टी को बहुत हल्का बनाती है। क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ पौधे भी सांस लेते हैं, तो बहुत कड़ी मिट्टी में पौधे सांस नहीं ले पाते। डला रहन दो ना, काटा है, चौपार फेंक दो। तो बहुत कड़ी मिट्टी जो रहती है ना, उसमें पौधे सांस नहीं ले पाते और वो अच्छे से नहीं हो पाते, अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। रोहित इनको भी सबको उतार लो, इनको भी इसी में पलट दो। दोस्तों हमने ब्रोकली उगाया था और बहुत खाया, लेकिन फिर ये खा नहीं पाए तो अभी भी पड़े हुए हैं, तो इनको भी उतार कर हम नए सिरे से इनको भर देंगे कंटेनर को। इसमें नहीं आ रहा था ज़्यादा है, मेरे देखना भी इतना टन हो गया, खूब भर गया ना। चलो कोई नहीं, नहीं भरते अब, है ना। इसमें तो आ जाएगा रोहित ना, रोहित इसमें आधा बोरी आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना एकदम दबा दबा कर रोहित भर रहा है, पूरा कंटेनर हमारा बहुत अच्छे से भर गया पत्तों से। तो दोस्तों इसमें फ़ायदा क्या है, आपको एक बात मज़े की बात बताती हूँ और बहुत ही जानकारी भरी, कि हमारे इसमें सब्जियाँ भी तैयार होंगी और नीचे जो है हमारी खाद भी बनती रहेगी। हमको अलग से किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं है खाद बनाने के लिए। इसको नीचे रख दो और उनको ले लो, गाय खा लेगी। तो ये देखिए इस तरह से हम अपने पौधों को उगाते हैं, तो हमें किसी और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए हम कहते हैं कि आइए चलिए ऑर्गेनिक की ओर, जहर मुक्त जीवन जिए। हम जहर मुक्त भोजन करेंगे तो रोग मुक्त हमारा जीवन होगा। देखिए जहर खाएंगे जीवन बिताएंगे। हाँ तो दोस्तों इस मिट्टी को देखिए, पूरा पोषक तत्व तो ले लिया है ये हमारा ब्रोकली, पूरा एकदम जड़ जड़ है, तो इसको हम इसमें डाल देंगे तो ये फिर नए सिरे से तैयार हो जाएगा इसके साथ। ये देखिए दोस्तों इस टमाटर को मैं भूल गई थी, टमाटर का जो गार्बेज था इसको मैं भूल गई थी, तो इसको मैं कहाँ रखूँगी, तो इसलिए इसको इसी में अब दबा दे रहे हैं हम। इसको सूखने के लिए थोड़ा सा रख दिए थे कि सूख जाए, तो इसको मैं भूल गई थी, तो इसमें आराम से आ गया और ये इसमें कंपोस्ट हो जाएगा। बाकी इतना इतना गार्बेज मैं कहाँ रखूँगी, रखने का जगह नहीं रहता ना इतना। तो दोस्तों अब हम इसमें मिलाएंगे ढेर सारा सामान। ये है राइस हस्क, इधर भी राइस हस्क 1 बोरी है,
और वो मिट्टी हमारी सूख चुकी है जो खाद वाली है, ये है राख दोस्तों, राख भी मिलाएंगे हम, राख पौधों को बहुत अच्छा, बस 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 थोड़ा और लगेगा ना फिर दूसरे कंटेनर, बस वो लास्ट बचा है उतना राख हमारे पास दोस्तों, राख भीग गई है इसलिए ऐसी दिख रही है ये राख। और इसमें मिलाएंगे हम घर से बनी हुई खाद जो मैं घर में बनाती हूँ, उसको भी डाल दो, पूरा डाल दो, बहुत मिट्टी है ना, ये देखो दिखाओ रोहित हाथ में उठा के खाद दिखाओ मेरे व्यूवर्स को, मेरे दोस्तों को, ये देखिए दोस्तों ये खाद मैं घर में बनाती हूँ, दो दो तीन तीन कंटेनर हमारा हर टाइम बनते रहता है तो वही खाद है, और इसको जब बन जाता है तो इसको निकाल कर हम सुखा लेते हैं, सुखा कर इनको बोरियों में हम भर देते हैं। और अब इसमें हम मिलाएंगे नीम की सूखी हुई पत्तियाँ, दोस्तों आप ध्यान दिए हों कि नहीं हमने बाहर से कोई भी चीज़ इसमें नहीं मिलाया है, मतलब खरीदा हुआ मार्केट का कोई भी चीज़ हमने इसमें नहीं मिलाया है। इसके बाद भी हमारे पौधे इतने ग्रो करते हैं, इतने चमकते हुए रहते हैं और इतना सारा फ्रूटिंग देते हैं कि आपने इसका देखा होगा कि 50 किलो टमाटर हम इस कंटेनर से तोड़े हैं। तो दोस्तों अब इसमें मिलाएंगे हम सूखी नीम की पत्तियाँ। तो दोस्तों इस तरह से हम पहले से इंतज़ाम करके रखते हैं, सीजन सीजन में जब पत्तियों का गिरना होता है तो हम भरवा लेते हैं बस। तो दोस्तों ये फंगीसाइड का भी काम करेगा और जब ये कंपोस्ट होगा तो खाद बन जाएगा, तो इस तरह से ये दो तरह से काम करेगा दोस्तों। हमारे पौधों में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, मिट्टी में भी कीड़े मकोड़े, जड़ें भी इसकी हमारे पौधों की खराब नहीं होंगी और कंपोस्ट होगी, खाद भी बनता है। तो इस तरह से दोस्तों जैसे बोलते हैं नीम खली लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो हम कुछ नहीं लाते, हम सब अपने आसपास की चीज़ों से तैयार करते हैं और कंपोस्ट जो है अपने घर से तैयार करते हैं। राइस हस्क भी हमको कहीं से मिल जाता है, ये भी समझिए फ्री का ही है, बस लाना पड़ता है, तो मैं रोहित से मंगवा लेती हूँ, उधर ही रास्ता है रोहित का, मतलब वहाँ भी मेरा घर है जहाँ से रोहित लेके आता है। तो दोस्तों अब इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स। पहले फड़ुआ कहाँ है, अच्छा ये है फड़ुआ, तो इन चीज़ों को हम उड़ाना मत पत्तियों को, सारी चीज़ों को दोस्तों बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये राइस हस्क है, भूसी है, राख है, कंपोस्ट है, कंपोस्ट में दोस्तों लीप कंपोस्ट से लेकर किचन वेस्ट और ये सारी चीज़ें, फ्रूट का कंपोस्ट यानी जो फ्रूट हम नहीं खा पाते हैं, वो सारी चीज़ों का जो हमारी गायें नहीं खाती हैं, वो सारी चीज़ों का कंपोस्ट बना के इस तरह से हम अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं। तो इससे हमारा कंटेनर भी हल्का रहता है और हमारी सब्जियां भी लहलहाती हैं और हमको बाहर से कुछ खरीदना भी नहीं पड़ता है और हमारी मिट्टी भी हर बार बढ़ते जाती है और कम मिट्टी में हमारे कंटेनर भर जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना फुल है हमारा कंटेनर, तो उसमें अब एक बित्ता के लगभग मोटी लेयर जो है हम इसमें बिछाएंगे इस मिक्स का, इससे ज़्यादा हम नहीं बिछाते हैं क्योंकि आप कितना भी मतलब जो आपकी सब्जियां हैं एक बित्ता से ज़्यादा इनकी जड़ें नहीं जाती हैं अंदर, अगर आपको आइडिया हो तो आप देख लीजिएगा। तो इसलिए उतना ही हम भरेंगे जितना कि हमको इसमें भरने की ज़रूरत है, बाकी ये जो बचेगा इसको हम बोरियों में भर के रख देते हैं। फिर हम जैसे अब इसकी जड़ें खुली तो इनमें हमने डाल दिया, इस तरह से हम इनको इस्तेमाल करते हैं जो हम मिक्स रखते हैं या नया कंटेनर भरने के ये काम आता है। पूरा मत डालो, पूरा नहीं डालो, पूरा नहीं डालो रोहित। ये भी दोस्तों राइस हस्क है, थोड़ा सा हमें कम लग रहा था तो हमने रखा हुआ था, ये कंपोस्ट हो गया है दोस्तों, ये खाद के बराबर काम करेगा, बस 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 बस। तो ये हमारा राइस हस्क मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लगभग कंपोस्ट हो चुका है, ये तो और अच्छा है ना, खाद का भी काम करेगा। और वैसे भी दोस्तों राइस हस्क में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, जो कोकोपीट को बोलते हैं ना, कोकोपीट में कुछ नहीं रहता उससे, बल्कि जड़ों में फंगस लगते हैं, जब सड़ता है वो कंपोस्ट होता है तो पौधों की जड़ों में फंगस लगते हैं और उसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं होता जो आपके पौधों को ग्रो होने के लिए सहायक हो। तो दोस्तों सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स, पहले सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करके, भूसी, राख और राइस हस्क और नीम की पत्तियाँ, खाद जो उससे निकला है, वो सारी चीज़ों को हम ऊपर नीचे करके पहले करेंगे मिक्स, ताकि सारी मिट्टी में एक समान सारी चीज़ें मिल जाएं। अब दोस्तों हमारी ये मिट्टी बहुत अच्छे से हो गई मिक्स, ये देखिए बराबर। अब हम भरेंगे अपने कंटेनर, ऊपर तक हमने भरा है पत्तों को, ये देखिए दबा दबा कर। अब भरेंगे हम
इसमें खाद मिक्स मिट्टी जिसको हमने मिक्स कर किया अभी ढेर सारी चीजों के साथ, और अब हम भरेंगे अपना कंटेनर। देखिए दो ही तगाड़ी मिट्टी गई है और वो पत्ता जो है नीचे चला गया, तो इस तरह से वो अपना जगह बना लेता है, ये नीचे चला जाएगा। ऐसा लग रहा है ना इतना भर दिए, इतना नहीं भरा रहेगा, ये खाली हो जाएगा, दब जाएगा मतलब। लेकिन अभी मिट्टी हम ऊपर तक भरेंगे तभी मतलब अच्छी लेयर बनेगी, नहीं तो फिर बहुत पतली लेयर में भी सब्जियां नहीं होंगी। और वैसे भी इसमें हम बेलवर्गीय सब्जियां उगाते हैं, ये वाले कंटेनर हमारे जो चार कंटेनर एक लाइन से लगे हैं इसमें हम बेलवर्गीय वाला ज़्यादा उगाते हैं, तो इसको हम भरेंगे ऊपर तक। तो इस तरीके से अगर आप अपने कंटेनरों को गमले को, हाँ एक और डाल दो ना तो नीचे चला जाए। तो दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं, अगर इस तरह से भरते हैं ना, ये मत सोचिएगा कि बड़े कंटेनर को भी हम कंटेनर को ही हमको इस तरह से भरना है। आप छोटे गमलों में या फ्रूट वाले जो कंटेनर होते हैं उनमें भी बहुत आसानी से इनको नीचे सूखे पत्ते और ऊपर से इस तरह से मिक्स को भर सकते हैं, तो आपको उसमें भी खाद मिलेगी नीचे बनकर। तो दोस्तों ये है हमारा छठवां तगाड़ी, आप ये देखिए इतना बड़ा ये कंटेनर, पूरी आधी टंकी, छह तगाड़ी में हमारी ये टंकी पूरी फुल हो गई। तो बहुत कम मिट्टी और बहुत कम खाद में हम अपने पौधे उगा सकते हैं, मतलब इतना बड़ा कंटेनर है तो हम जरूरी नहीं कि इसको हम मिट्टी से खाद से भरें, इस तरह से हम इसको भर सकते हैं। हाँ पत्ता भरो, पत्ता बोल दो रोहित, पत्ता भरो इधर देख के। जय जोहार तो नहीं बोले आज? नमस्कार साहेब, जय जोहार का। नमस्कार साहेब, जय जोहार साहेब। तो दोस्तों वो कंटेनर भर गया, अब हम भरेंगे इसको। तुमको पूछते हैं लोग, हाँ यूट्यूब में लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास रोहित जैसा थोड़ी हेल्पर है, जो रोहित जैसा थोड़ी है कोई जो हमें पत्ते ला के दे देगा, हमें सब कुछ ला के दे देगा। बुलाओगे तो दे देंगे। देखो बोल रहे हैं, बोल दो, बुलाओगे तो आ जाएंगे साहब, ला देंगे। हाँ ला देंगे साहब। तो पूरा बैठा जाएंगे। ये दूसरा तगाड़ी आप देखिए, मतलब मैं गिन के इसलिए बता रही हूँ कि कितनी कम मिट्टी में हम अपना कंटेनर भर सकते हैं। दूसरा तगाड़ी है, दब के दब जाएगा सब। हाँ भेजने का है, ये तीसरा तगाड़ी है दोस्तों। हाँ दूर के है ना उन लोग, यूट्यूब में जो व्यूवर्स हैं, जो दोस्त हैं मेरे, वो सब दूर के हैं, कोई जयपुर के, राजस्थान के, एक तो आज कमेंट आया है वो फॉरेन की है, वो पूछ रही हैं कि हम कौन से पौधे उगा सकते हैं ठंड में। तो ठंड में आप ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं, ठंड में सारी वेजिटेबल होती है, धनिया, मिर्ची, पालक, टमाटर, गोभी, लाल भाजी, हर चीज आप उगा सकते हैं। चौथा है क्या? ये चौथा है। तो इसमें भूसी है, भूसी भर दिए क्या? मिला नहीं है, नहीं है। तो दोस्तों ये हुआ पांचवा तगाड़ी, और हमारी ये मिट्टी आधा ट्रक ट्रैक्टर बच गई, देख लीजिए इतनी सारी मिट्टी हमारी बच गई। तो दोस्तों जब बच जाता है तो हम क्या करते हैं ना, देखिए जैसे थोड़ी थोड़ी जड़ें दिखने लगती है ना जिन पौधों की, तो उनमें हम डाल देते हैं। जैसे मिर्ची की जड़ें दिख रही हैं तो थोड़ा इनमें डालेंगे, थोड़ा सा उसमें भी डालना पड़ सकता है जो हमने वो लगाया है अदरक। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी को हम बोरियों में भर के रख देते हैं। तो ये हो गया पांचवा, पांच तगाड़ी में हमारे ये इतने बड़ी बड़ी टंकियां भर गई। पांच से ज्यादा नहीं डालना, उसको बराबर कर दो। देखिए दोस्तों कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो कितनी बड़ी टंकियां पांच तगाड़ी में भर गई। मेरे ख्याल से एक बोरी भी इसमें मिट्टी नहीं लगा है, देखिए आप। तो दोस्तों इस तरह से कंटेनरों में ना मैं खाद बनाती हूँ जो मेरे हर टाइम काम आता है। इसमें भी खाद बन रही है और एक उधर भी है उसमें बन रही है। तो इसको हम ना जैसे कि जब हम डालते हैं कुछ गार्बेज या कुछ भी डालते हैं तो हमें थोड़ी सी इसको मिट्टी से ढक देना चाहिए, तो इससे जल्दी कंपोस्ट होता है। तो देखिए इस तरह से हम बस 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 उसको बराबर कर दो, बस बहुत सारा मिट्टी गिर गया, झाड़ू मारना पड़ेगा। इसको बराबर कर दो, बराबर कर दो इसको। हाँ तो इस तरह से इसको आपको ढकते जाना है, जैसे एक लेयर आप कचड़े का डालिए तो एक लेयर आप मिट्टी का डाल दें, और बीच बीच में इसमें पानी भी डालते रहें, तो पानी के संपर्क में आकर मिट्टी के ये जल्दी कंपोस्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इसी मिक्स को हम बीच बीच में अपने पौधों में डालते हैं, जो पौधे हमें लगता है
कि थोड़ी सी उनकी जड़ें खुल रही हैं या उन्हें पोषण की जरूरत है, तो इसी मिट्टी को हम डाल देते हैं किसी और खाद के बजाय जो हमें मिक्स तैयार करके रखते हैं, तो इसको हम ऐसे डाल देते हैं अपने कंटेनरों में। जैसे ये भी है ना, इसमें कुछ उगाएंगे अगर हमें लगेगा कि उसकी जड़ें खुल रही हैं कुछ भी, तो हम इस तरह से डाल दे, पौधे मत उखाड़ लेना, तो इस तरह से हम इनमें डाल देते हैं। और ये देखिए, और बाकी अगर बचेगा तो इसको हम रख देंगे, फिर जब हमें जहां जरूरत होगी तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो इतना मिट्टी, इतना हमारा मिक्स जो है बच गया है उस साइड। मिर्ची ना दबे, देखो साइड से ये जो उठाए ना, तो इधर साइड से मिट्टी हो गया है, तो साइड में थोड़ा सा भर देना। बस तो देखिए इस तरह से हम करते हैं अपने पौधों की देखभाल। और कुछ दिन में आप इनको देखना, ऐसी मिर्ची लहलहाएंगी हमारी और ऐसी फ्रूटिंग करेंगी ना कि फिर मैं तोड़ते तोड़ते थक जाती हूँ परेशान हो जाती हूँ। दोस्तों राम राम। सुबह के बजे हैं 5:45 और गर्मी इतना ज़्यादा सुबह सुबह। तो दोस्तों कल हमने भरे ये 2 कंटेनर, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से अपनी मिट्टी को हल्का बनाएं, किस तरह से उपजाऊ बनाएं और किस तरह से आपको बार बार खाद डालने की ज़रूरत अपने पौधों में नहीं पड़ेगी। अगर इस तकनीक से आप अपने कंटेनर भरते हैं तो आपको बार बार खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपके पौधों की अगर जड़ें दिखने लगे तो यही वाला मिक्स जो हमने तैयार किया इस तरह से आप डाल सकते हैं। देखिए कल हमने लगभग कंटेनर में डाला, क्योंकि इनकी पानी, क्या होता है कि पानी डालते डालते इनकी जड़ें दिखने लगती हैं। तो इस तरह से अब इसमें हमने उगाया है अदरक। अदरक कम से कम दोस्तों अंकुरण होने में उसको 25 दिन लग जाते हैं, तो इसको हमने 15 दिन पहले उगाया है, 12-15 दिन पहले उगाया है। तो ये जो है अभी इसका अंकुरण हो रहा है, बहुत छोटा छोटा है। तो दोस्तों सारे कंटेनरों में हमने वही वाला मिक्स भरा जब हमको ज़रूरत होती है। जैसे ये हमारा कुंदरू है, अच्छा फल रहा कुंदरू दोस्तों, तो इसकी जड़ें जब दिखने लगती, ये देखिए, और बहुत अच्छा देसी कुंदरू है, तो ये देखिए इसकी जड़ों में भी हमने भरा। इसी तरह से हर पौधे में जहाँ हमें लगता है कि हमें डालना चाहिए, उसकी जड़ें दिख रही हैं, तो हम खाद न डाल के यही वाला मिक्स, इसमें मिट्टी, भूसी, खाद, राख, नीम की पत्ती, सारी चीज़ें इसमें मिक्स रहती हैं। तो इस तरह से हम तैयार करते हैं अपने कंटेनर, तो हमें दोबारा इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, पौधों को आप बचाएं, कैसे बचाएंगे? दो बार तो पानी आप डालिए। जैसे अभी मेरे यहाँ 7 बजे पानी इनमें डल जाएगा सुबह, तो सुबह 7 बजे पानी डालिए और शाम को डालिए 5:30-6 बजे। उजाला रहता है दोस्तों, अंधेरा नहीं रहता। ठंड के दिनों में 5 बजे जो है अंधेरा हो जाता है। ऐसे देखिए कैसे करेला फ्रूटिंग कर रहा है, ये भी बेचारे प्रकृति से लड़ रहे हैं, क्योंकि बेल वर्गीय सब्जियां थोड़ा बर्दाश्त कर लेती हैं। तो इस तरह से इसीलिए तो गर्मी में ज़्यादातर बेल वर्गीय सब्जियाँ लगाई जाती हैं, और जो रहता है उसको, जैसे बैंगन टमाटर, उनकी देखभाल करते हैं, फ्रूटिंग लेते हैं। दोस्तों कल इसमें से 3-4 किलो टमाटर टूटे, जो बचे हुए थे ना, जिनको हमने नहीं उखाड़ा था, फिर गार्बेज को हमने इसी में डाल दिया था। इसको दोस्तों हमने ग्राफ्टिंग करी है, ये देखिए सदाबहार की, ये पर्पल है, इसमें हमने व्हाइट की ग्राफ्टिंग करी है, तो पत्ते तो निकल रहे हैं लेकिन अभी फूल नहीं निकले हैं। आने वाले टाइम में फूल निकलेंगे, क्योंकि जब पत्ते निकले हैं तो फूल भी निकलेंगे। ये देखिए इसमें हमारी सेम जो है इस कंटेनर में अपने आप सेम उगी है दोस्तों। ये देखिए लौकी लगाया था, लेकिन बीज गिर जाते हैं ना, ऐसे इतने सारे बीज पड़े हुए हैं हमारे यहाँ। और ये हम बना रहे हैं खाद, जिसको मिट्टी से ढक कर रखिए। इसमें ढक्कन भी लगाना है, पता नहीं इसका ढक्कन कहाँ गया। ये देखिए हमारे छोटे छोटे एडेनियम जो है खिलना शुरू हो गए हैं। इसमें से दोस्तों मैं निकाल निकाल के दे देती हूँ जो मांगते हैं। कल एक फ्रेंड जो है वो मैसेज करी है कि मुझे एडेनियम चाहिए, तो हमने कहा आ जाओ घर ले लो। ओ वाओ, ये मैंने तो अभी देखा दोस्तों, ये देखिए सीड पॉट आया हुआ है, अब भी देखा। और ये बेचारा 4 बार यहाँ से उड़ चुका है, लेकिन फिर भी देखिए जिनको देना होता है ना वो दे ही देते हैं। सीड पॉट है ये, अब भी छोटे हैं, अभी अभी हुए हैं, और इसमें दोस्तों ज़्यादा फूल भी नहीं खिला। अच्छा उनमें मैंने नहीं देखा कि ओ
अच्छा मैं ध्यान कहाँ मेरा रहता है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उधर भी सीड पॉट आए हुए हैं और ये जो है हमारे हमने इनको उगाया है अभी, और इधर ढेर सारे सीड से उगाया है। ये है हमारी थाई वैरायटी जिसको हमने रिपोर्ट नहीं किया है, करूँगी थोड़ा मौसम और अच्छा हो जाए क्योंकि बहुत तेज़ धूप कर रहा है। हालांकि ये मरेगा नहीं क्योंकि ये अभी हमने इसको रिपोर्ट किया है, पर क्या है कि ये बाहर से मंगाया है ना पैसे देकर, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं केयर करूंगी। हालांकि इनकी भी केयर करती हूँ ऐसा नहीं है, पर मान लीजिए ये 100 पेड़ है, एक पेड़ अगर ख़त्म भी हो गया तो रहेगा तो, लेकिन ये अगर गया तो फिर गया, इसको कितने दिन से तो मैं पोस रही हूँ। तो दोस्तों देखिए सदाबहार के सीड्स गिर के इस तरह से अपने आप खेलते हैं, और हमारी टोपियारी कितनी बढ़िया लग रही है। तो दोस्तों आज मैं कोई वेजिटेबल नहीं तोड़ूंगी क्योंकि हमारे यहाँ ढेर सारी वेजिटेबल रखी है, वो तोड़ तोड़ के क्या करेंगे रख रख के, ताज़ी तोड़ो ताज़ी खाओ। तो कल भी तोड़ा था, परसों भी तोड़ा था, और मतलब लगभग रोज ही तोड़ती हूँ दोस्तों। पड़की ये तो मेरे जीवन का हिस्सा ही बन गई है, मैं ये मेरी बात सुनती है और मैं इसको देखते रहती हूँ। चल बैठे रह, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो इसमें तो सीड पॉट नहीं दिख रहे दोस्तों, इसमें खूब फूल आए, अभी भी बड़े उड़ गई। चलो कोई नहीं, उसका सुबह हो गई, अब तो चिड़िया पंछी चरने खाने जाएंगे, इंसान जैसे थोड़ी हैं कि जो बिस्तर में 12 बजे तक पड़े रहेंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों इसको मैंने दूर से देखा, मैं खुश हो गई, इसमें भी सीड पॉट आया हुआ है। दोस्तों इनमें ढेर सारे सीड पॉट आते थे, लेकिन ये मेरे दो पौधे बीमार हैं और मैं इनकी देखभाल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। कई बार किया लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहे हैं, देखती हूँ किसी दिन फिर से करूँगी। तो ये देखिए सीड पॉट इसमें भी आया है, अब ये ढेर सारे इसमें से सीड मिलेंगे मेरे को, दो तो दिख गए। और कोई बोल रहे थे अपराजिता का अपडेट, तो अपराजिता हमारी खेल रही है दोस्तों, ये देखिए। और ये करीब साल भर से ज़्यादा का पौधा है और इसमें नए पौधे भी उगे हैं और उनमें भी कलियां बन रही हैं। और इधर भी ढेर सारे हमारे एडेनियम हैं, ये देखिए छोटे छोटे बुच्चू बुच्चू, ये भी एक बार खिल चुके हैं, अब दोबारा फिर से खिलेंगे। ये अरेबिकम है, ये नहीं खिला है दोस्तों, ये अरेबिकम वाला नहीं खिला है, इसका देखिए अलग ही लुक रहता है। ये भी अरेबिकम है, इसके पत्ते थोड़े चौड़े हैं और ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आती हैं अपने आप बगैर प्रून करें। और ओबिसम को क्या होता है कि जब हम प्रून करते हैं तभी उसमें ज़्यादा ब्रांचेस आती हैं, और अरेबिकम में अपने आप आती हैं। ये वाइट है, गए साल खूब सारा इसमें वाइट में सीड पॉट आया था और मैंने एक साथ सबको डाल दिया था, तो अभी हमको नहीं पता कि कौन सा वाइट है और कौन सा क्या है, जब वो खिलेगा तब हमको पता चलेगा कि कौन सा वाइट है। ये भी ग्राफ्टेड है, ये भी ग्राफ्टेड है, लेकिन डबल पेटल नहीं है दोस्तों, कलर इनका अलग है। तो ये देखिए हमारे अडेनियम, और हमको दो ही जगह अभी तक सीड पॉट दिखे। ये है दोस्तों जो बोलते हैं आप अपडेट, तो ये अभी कभी खिलता है कभी तो खूब सारा खिला रहता है, आज तो हमको नहीं दिख रहा है दोस्तों। बहुत तेज़ धूप कर रही है, बेचारे पौधे क्या करें, इनको दोष हम क्या दें। ये भी हमारा अडेनियम है दोस्तों, ये भी इधर भी, और एक ये कैक्टस की प्रजाति हमने लगाई हुई है, और ये ढेर सारा हमने जेट प्लांट तैयार किया है। जेट प्लांट दोस्तों मैं ढेर सारा तैयार करती हूँ, बहुत दिन से सोच रही थी टोपियारी बनाने का, जो मैं बना नहीं पा रही हूँ, पर कोशिश करूँगी। ये हमारा कद्दू, हाँ दोस्तों कद्दू भी तो रखा हुआ है, कद्दू तोड़ा था तो रखा हुआ है। ये देखिए कद्दू हमारे फल भी रहे हैं, और फूल तो इतने आते हैं ना दोस्तों, कम से कम 150 फूल पर डे हमारे यहाँ कद्दू के आते हैं, देखिए आप। और इसी तरह से करेले भी ढेर सारे फल रहे हैं, ये देखिए यही तो सीड्स है दोस्तों, ये सेम की सीड्स है, जो हम नहीं तोड़ पाते ना वही ढेर सारी सीड्स जो है पक जाती हैं, और उन्हीं से ही हमारे नए पौधे तैयार होते हैं। ककड़ियाँ भी दोस्तों खूब फली हुई हैं देखिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा आज मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी, आज मैं सिर्फ आपको बताई हूँ कि आप इस तरह से अपनी मिट्टी को भरिए और इस तरह से खाद तैयार करिए। दोस्तों ये करेला है, इसको थोड़ा ऊपर ऐसा रख दूँ, हाँ ऐसा, ये देखिए करेला भी है, सॉरी मेरा दिमाग किधर रहता है, खीरा है, सॉरी हाँ, तो खीरा भी फला है। और ये देखिए हमारे जिमीकंद, अब दोस्तों इनमें जिमीकंद तो निकलता ही है, ये आपकी आँखों को कितना सुकून देते हैं, हरा भरा, ये पत्ती वो पत्ती वो पत्ती लोग उगाते हैं हरा दिखाने के लिए, सो पत्ती। तो हमारी ये देखिए
कितनी सुंदर भाजियाँ, हमें सो पत्ती की जरूरत ही नहीं है। वैसे भी मैं उगाती नहीं हूँ सो पत्तियाँ दोस्तों, आपको बता दूँ। ये हमारी लाल भाजी देखिए, ये इस तरह से अगर घास हो ना तो इनको निकाल दीजिए। तो दोस्तों गर्मी जो है ना, गर्मी में ही आप अपने कंटेनर अपने वो तैयार कर सकते हैं, गमले। मैं आपको दिखा रही हूँ, चलिए आइए बात करते हैं। ये है हमारी गोभियाँ, इसमें हमने उगाई है लाल भाजी। एक आध दिन में इसमें लाल भाजी हमारी दिखने लगेगी। तो दोस्तों इस तरह के जो फ्रूट कंटेनर है ना, ये भी बहुत अच्छे हैं और फ्री के, मतलब समझिए बहुत सस्ते मिल जाते हैं अगर आप खरीदें तो। मैं तो सब फ्रूट मेरे यहाँ आते हैं तो उन्हीं में ये हमारे बच जाते हैं। तो दोस्तों ये फ्री के हैं, इनमें कोई आपको कुछ नहीं और बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं। तो एक लाइन से देखिए फ्रूट कंटेनर हैं। तो इस तरह के भी कंटेनर अगर आपको मिल जाते हैं फ्रूट कैरेट, तो इसमें आप एक लेयर नीचे हल्की सी मिट्टी और इसके बाद ठूस ठूस के भर दीजिए, पत्ते सूखे और इसके बाद फिर खाद मिट्टी अपनी भर दीजिए, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सब्जियाँ मिलेंगी। ये देखिए हमारी सेम कैसे फूल रही है। दोस्तों सेम का पौधा अगर आप एक बार उगाते हैं ना तो आपको ये पूरे साल सेम देगा। मतलब कि उखाड़िए मत इसको। अगर मान लीजिए फ्रूटिंग बंद कर दिया है ना तो ये मत सोचिए कि ये खत्म हो चुका है। ये जैसे ही इसको फिर खाद पानी देंगे, अच्छे से थोड़ी सी देखभाल कर देंगे, तो ये फिर ढेर सारी फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा। ये हमारी मिर्चें हैं दोस्तों। मिर्ची जो है पानी पड़ने के बाद बहुत अच्छी होती हैं। अभी ये जिंदा रहे बस, जैसे पानी पड़ेगा, बारिश होगी, बहुत सुंदर हो जाएंगी और लहलहाने लगेंगे। मीठी नीम का देखिए करी पत्ते कितने सुंदर हुए हैं। और ये एक छोटा सा ऐसे क्या कह सकते हैं इसको, टब है, किसी कबाड़ी वाले से लिया होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा खूबसूरत गार्डन, जो कि लगभग जीरो बजट में, थोड़े बहुत गमले खरीदे होंगे, जैसे ये उधर अडेनियम के लिए हमने लिया है कुछ कुछ, और बोगनवेलिया के लिए भी हमने गमले लिए हैं, बाकी ये सब हम ऐसे ही मतलब हमको मिल गई हैं। एक मेरी फ्रेंड दिला दी है और कुछ जो है हमने खुद ही वो कर लिए हैं। तो देखिए हमारी सूरजमुखी पकने को हो रही है, लेकिन दोस्तों पकने को दिख रही है लेकिन पकी नहीं है। इसको जब तक ये सूख ना जाए इसको आप काटे नहीं, 15 दिन और सही। देखिए फूल इसके कितने सुंदर लग रहे हैं ना, और ये कितने सारे फूल आए हैं। नेक्स्ट बार जब हम इसको लगाएंगे तो ऊपर से इसको कट कर देंगे, प्रून कर देंगे, तो ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी और उसमें ढेर सारे फिर इस तरह से फूल निकलेंगे, और जितने फूल उतने सीड्स। इसको फूल के लिए भी उगाया जाता है दोस्तों, और ये सीड्स के लिए भी उगाया जाता है। आइए मैं दिखाती हूँ और एक जो सनफ्लावर जैसे ही दिखता है, बट वो है नहीं सनफ्लावर, हाँ खूबसूरत दिखता है। ये देखिए इसको हमने ढेर सारा दोस्तों उगाया था, फिर ये पक जाता है जब इसका अभी पकने का ही टाइम है। लेकिन इसका हुआ क्या था कि इसकी डाल जो है एक टूट गई थी, तो जो नई ब्रांचेस निकली है ना उसमें से ये फूल निकल रहे हैं। अब बाकी ये देखिए ये पक गया है ये, और इसी में से सीड्स निकलता है। अगर आप रखना चाहें तो इसी में से निकलता है। हमारे यहाँ तो ढेर सारे इसी मिट्टी में निकलते हैं और हम उखाड़ कर, क्योंकि चूँकि मैं पहचानती हूँ फिर मैं उखाड़ कर इसको लगा देती हूँ कहीं कहीं पर ऐसे छोटे छोटे गमलों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलता है ये, तो बहुत बड़े बड़े कंटेनर में क्या करेंगे। क्योंकि मैं उगाती हूँ सब्जियाँ, मुझे चाहिए सब्जियाँ, इसलिए मैं इनको छोटे छोटे गमलों में उगाती हूँ। ये मिर्चियाँ हमारी बहुत अच्छी हैं दोस्तों। ये कंटेनर हमारा खाली होने वाला है 10 दिन बाद, जब हमारी ये सनफ्लावर ये हमारा पक जाएगा तो इसको हम खाली करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि बरसात आने से पहले आप सारे कंटेनर, जैसे दो हमने भरा, तो आप सारे कंटेनरों को जैसे जैसे फ्रूटिंग आप लेते जाए इनको हटाकर, इनके गार्बेज को इसी में डालकर और सूखे पत्ते डालकर इनको आप भर लीजिए। फिर क्या होगा, बारिश में आप एक मुट्ठी मिट्टी नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि इतनी स्टिकी हो जाती है और पूरा एकदम फैल जाती है। बारिश हो गई तो एकदम किचकिच कीचड़ हो जाता है। तो इसलिए देखिए इसको भी हमने भर लिया है। अब जरूरी नहीं है कि आप भर लिए हैं तो इसमें कुछ लगा ही दें, कुछ नहीं अगर नहीं है तो लाल भाजी, जैसे इसमें लाल भाजी हो गई है, इनको मैंने नहीं उखाड़ा है, ऐसी नेचुरल हमको मिल जाएंगी और फिर हम इसमें कुछ उगाएंगे। हम सीड्स का, बीज का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही आएगा तो फिर हम उगाएंगे। मिर्चियाँ देखिए कैसे गुच्छे में फल रही हैं दोस्तों, कितनी सुंदर ना। तो इस तरह से अपने सारे कंटेनर का कल हमने बहुत काम किया दोस्तों। मिट्टी उट्टी भी अगर ज़रूरत है आपको चाहिए, मिट्टी वगैरह भी ला कर रख लीजिए। हमने कल 2 बोरी भूसी
ये देखिए इसमें लास्ट में जो बचा था ना उसको समेट के रखा, 2 बोरी भूसी 10 बोरी पत्ते, ये देखिए पत्ते और 5 बोरी मिट्टी, इतना कुछ कल हमने ये कलेक्ट किया करवाया। ये देखिए हमारी जो वो कंटेनर भरने के बाद भी हमारे पास ये बड़े बड़ी बोरियों में 4 बोरी पत्ते भरे हैं, यानी ये 2 कंटेनर के लिए हमारे पर्याप्त है। 1 कंटेनर हमारा ये भी खाली होने वाला है क्योंकि इसका टमाटर कल चूंकि बहुत ज़्यादा काम हो गया था तो हम घर की साफ सफाई भी थोड़ी करवाए, तो ये जो है कंटेनर हमारा रह गया। चलिए इसमें टमाटर है, अभी 1-2 हफ्ते बाद इसको हम ले लेंगे। तो 1 हफ्ते बाद दोस्तों हमारा सूरजमुखी वाला कंटेनर, ये वाला कंटेनर और वो जो है उसमें टमाटर उगे हैं वो कंटेनर और ये गोभी वाला कंटेनर, और एक लाइन से ये सारे कंटेनरों को मैं फ्रेश पत्ते और ये सारा कुछ फ्रेश चीज़ें डालकर इसको जो हम बनाते हैं जिस तरह से इसको हम तैयार करके रख लेंगे। बारिश में आप कुछ भी उगाएं होता है, बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है। दोस्तों इसको भी हम हटाएंगे क्योंकि इसमें देखिए इस तरह से फूल आ रहे हैं, इसको क्योंकि गोभी को ठंड चाहिए तो ठंड तो है नहीं, तो इसको दोस्तों हम इसलिए भी रखे हैं क्योंकि इसके पत्ते को हम काटकर अपने चंदू को खिलाते हैं, क्योंकि अब चंदू के लिए मैं घास कहाँ पाऊँ, तो इसी में से साइड से 2-4 पत्ते रोज तोड़कर चंदू को काट, मतलब इसको काटकर चंदू को देती हूँ, सॉरी तो चंदू को देती हूँ, तो चंदू हमारा इसको खाता है, इसलिए हम इसको रखे हुए हैं। लेकिन इसको हटाना पड़ेगा अपना कंटेनर गर्मी के पहले, गर्मी में ही तैयार करने के लिए ये सारी चीज़ों को हम करेंगे तैयार। ये देखिए ये एक लाइन से जो भाजियाँ लगी है ना सबको हटा के हम नए सिरे से इसको कंटेनर को भरेंगे, इसको भी हटा देंगे। इसमें भी टमाटर पक गए हैं तो ये वाले कंटेनर, ये फ्रूट कंटेनर हैं दोस्तों। तो इस तरह से कंटेनर भी आप फ्री में आपको मिल सकता है, बहुत ही अगर 10-20 रुपये में मिल जाएगा और एक बार आप लेंगे तो ये सालों साल चलते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। और ये तो टायर के हैं, इनको तो कुछ होना ही नहीं है, देखिए। तो ये सारे को ये भाजियां हैं, इनको सारे उनको खाली करके मैं भरूंगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद, और भरकर फिर मैं फुर्सत हो जाऊंगी, फिर मैं चाहे हम सब्जियां उगाएं या बाद में उगाएं, हमारे कंटेनर तो भरे रहेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं नीचे की छत में, आपको दिखाती हूँ मैं बोगनवेलिया जहाँ उगाई हुई हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और आप भी तैयारी कर लें जिस तरह से हमने किया, तो मिट्टी हमारी हल्की भी रहती है और पौधे हमारे सांस भी लेते हैं जिस तरह से हम मिट्टी तैयार करते हैं। दोस्तों बहुत कम मुझे अपने पौधों को कोड़ाई की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी मिट्टी इतनी हल्की बनती है। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम नीचे की छत में और आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर बोगनवेलिया। ये हमारा खूबसूरत सा बोगनवेलिया 21 ज्वेल्स वैरायटी है, एक बार बहुत अच्छा खिल चुका, अब ये प्रूनिंग की ज़रूरत है, लेकिन अभी थोड़ा सा खिल गया तो हमने कहा चलो खिल जाने दो, तो इस तरह से इसको हमने छोड़ दिया। दोस्तों पानी इनमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो एक टाइम तो हर हाल में पानी डालें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि 2-3 दिन में डालिए, 2-3 दिन में सो जाएंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसलिए पानी इनमें ज़रूर डालें। दोस्तों ये कम से कम 2 महीने से फूल खिला हुआ है और ऐसी का ऐसी है, गिर नहीं रहा है, देखिए वाइट है ये देखिए कितना सुंदर खिला है ना, बाकी सब खिल चुके हैं, अब दोबारा खिलने की तैयारी में है ये, जैसे ये येलो है और ये पिंक है, ये चित्रा वैरायटी है। तो दोस्तों हमारी भिंडी भी बहुत सुंदर हो रही है, रोज़ तोड़ती हूँ लेकिन आज नहीं तोड़ूंगी, अभी मेरे यहाँ भिंडी रखी हुई है, एक दिन में कुछ नहीं होता, वैसे भी 2 दिन में भिंडियाँ तोड़नी चाहिए, मतलब हर दूसरे दिन अपने खेतों में क्यारी में अगर आप उगाए हैं ये चल जाएगा, देखिए अभी ये चल जाएगा, मतलब कल तोड़ूंगी। तो दोस्तों इसको शौक लग गया, मैं सिर्फ प्रूनिंग करी बट मैं समझती हूँ कि ये बच जाएगा, और ये सब देखिए जो प्रून किया था इनमें नए कितनी सारी ब्रांचेस निकल गई और इसमें तो फूल भी खिलने शुरू हो गए, वो देखिए इसको भी प्रून किया था तो ये भी अच्छा दिख रहा है, इसको प्रून करूँगी, जैसे ये भी खिला है बहुत दिन से इसको भी दोस्तों हमने प्रून किया था। ये सारे को प्रून करने से होता क्या है ना कि ढेर सारी ब्रांचेस निकलती हैं आपके पौधे से, ये देखिए जैसे ये बस लंबा लंबा एक एक डाल जा रही थी, फिर इसको हम प्रून करते गए तो ये मल्टीप्लाई होते गया और ढेर सारी ब्रांचेस इसमें आ गई हैं और अच्छा दिखने लगा है। भिंडियाँ दोस्तों हैं तोड़ने लायक लेकिन आज तो नहीं तोड़ूंगी मैं, ये देखिए आज सोच कर आई हूँ कि मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी।
दोस्तों ये पता नहीं इसको क्या हुआ, देखभाल तो हम सबके बराबर कर रहे हैं लेकिन गुलाब का यही रहता है कि पता नहीं कब काला होके और सूख जाए। दोस्तों अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, वाओ इसकी खुशबू, इतने दिन से इसको लगा कर रखा था लेकिन ये छाया में था, ये खिल नहीं रहा था, फिर हमने इसको यहाँ कर दिया तो देखिए इसमें जबकि ढेर सारे पौधे हो गए लेकिन इसके बाद ये खिल रहा और पूरा खुशबू से भरा हुआ है पूरा छत। इसकी खुशबू ही बहुत ही बहुत सुंदर खुशबू होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे हैं खूबसूरत पौधे जो मुझे बहुत सुकून देते हैं और मन भी शांत रहता है, किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं रहता है। एक पौधा इसमें मिर्ची अपने आप हुआ है जिसमें फूल आना शुरू हो गया देखिए, और ये देखिए पालक की जो हमने थोड़ी देखभाल करी थी उसमें से नए नए पत्ते निकलने शुरू हो रहे हैं और भिंडियाँ कितनी सुंदर। दोस्तों भिंडियाँ पूरी गर्मी खिलाएंगे देखिए, तो भिंडी ज़रूर उगाएं क्योंकि जो जिस टाइम के जो पौधे हैं ना वही टाइम पर वो पौधे अच्छे से उगते हैं, नहीं तो फिर पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों ये देखिए घर के सामने भी हम अपने थोड़ी सी एक क्यारी है पतली सी जहाँ हमने ढेर सारी सब्जियाँ उगा कर रखी हैं और सिर्फ उगाई नहीं है हमें ढेर सारी फ्रूटिंग भी मिलती है देखिए। ऐसे तो इसमें तीन तरह के पौधे लगे हुए हैं, लौकी करेला और पोई। पोई और करेला मिल रहा है, लौकी अभी जो है तैयार हो रही है। दिखे दोस्तों एक लाइन से आपको ये फल फ्रूट वाले ये दिखेंगे करेला, और इसमें करेला मरते कम है, देखिए इसमें फूल आने शुरू हो गए दोस्तों हमारी लौकी में, अब ये फ्रूटिंग करेगी। लौकी को थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, अगर अच्छी क्वालिटी की है तो थोड़ा टाइम लगता है और नहीं तो फिर वो एक आध फलेगी और एक आध फल कर सूख जाती है, लेकिन हमारी लौकी ऐसी नहीं है, ये देसी बीज है इसके इसलिए ये देर तक रहेगी और बहुत दिन तक ये फलती रहेगी। तो दोस्तों कोशिश करें कि देसी बीज ही उगाएं क्योंकि ये जो वो वाले बीज होते हैं ना वो थोड़े से फ्रूटिंग करते हैं और इसके बाद रुक जाते हैं और फिर उनको उखाड़ कर फेंकना पड़ता है। हम तो एक बार लौकी लगाते हैं तो साल भर खाते हैं। इस चंदू को देखिए दोस्तों, शायद इसका मुख हो जाता होगा, जो भी ये रबड़ की चीज़ें प्लास्टिक की पाता है उनको चबाता है, हमारे जूते चप्पल ऐसी गौरी नहीं ऐसी लक्ष्मी भी कर रही थी, बहुत वो किया था। नुकसान तो करते हैं थोड़ा लेकिन अब क्या करोगे, प्यार है तो है। और इधर उगाया हुआ है हमने आम, जैसे गेट से बाहर मुंह निकालते हैं तो हमको ये सुंदर सुंदर से गुच्छों में आम दिखते हैं। तो दोस्तों आम ऐसा है जब हमें ज़रूरत होती है आकर हम तोड़ते हैं और तोड़ कर ले जाते हैं, तो ऐसा हमने उगाया हुआ है। देखिए इस साल ये कम फ्रूटिंग किया है, नहीं तो इतना फ्रूटिंग करता है ये दोस्तों कि हम सच में खा नहीं पाते, मतलब परेशान हो जाते हैं खाते खाते। और इतना मीठा है ये आम कि काश आप टेस्ट कर पाते, लेकिन कैसे करेंगे, आप तो दूर से हैं ना। और दोस्तों आम मुझे बहुत पसंद है इसलिए आम मैं लगाने जहाँ भी रही मैं आम लगाने की मतलब लगाया, सिर्फ कोशिश नहीं करी। देखिए एक आम उधर उतना बड़ा हो गया उसके पीछे और इतना खुशबू उसके पत्तों में है कि क्या बताएं। और ये है चीकू, चीकू भी हमारा ये देखिए नई ब्रांचेस निकल रही हैं और इसमें ना फूल और फ्रूटिंग भी हो रही है, देखिए फूल आ रहे हैं, ये फलता है और बहुत मीठा है। और ये हमारे करी पत्ते हैं देखिए, इनमें फल फूल भी आते रहते हैं और ढेर सारे इसमें नीचे करी के पौधे तैयार हो जाते हैं, देखिए उधर दिख रहे होंगे, बहुत उखाड़ कर फेंकती हूँ और कुछ लेके भी जाते हैं लोग। ये देखिए अभी आम हमने लगाया है थाई वैरायटी, ये तीन पौधे लगाए हैं, बहुत छोटे हैं, ग्राफ्टेड हैं, बहुत छोटे हैं लेकिन मैं तैयार कर लूँगी। ये भी करी पत्ता है और ये गन्ने हैं लगाया हुआ है। और दोस्तों ये देखिए ये सारे जो पौधे हमारे हैं ये कलम से सब में पत्तियाँ आ रही हैं, देखिए हल्का संधेरा दिखता है इधर क्योंकि घना है ना, पौधे ज़्यादा हैं तो सारे में पत्तियाँ आ रही हैं, देखिए उधर तो हम चाह ही नहीं पाएंगे।
थोड़ी सी जगह मिली। और ये दोस्तों ये केला अपने आप तैयार हो गया था हमारी छत पे, पता नहीं हमने ना तो बीज ना कुछ भी नहीं डाला, हमको तो पता भी नहीं बीज से होता है ये, तो ये अपने आप तैयार हो गया था और ये हम कहीं से लेके आए हैं। लेकिन ये थोड़े ठीक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जो अपने से तैयार हुए थे उसमें ढेर सारी ब्रांचेस निकल रही है। और दोस्तों इनके पत्तों को मैं इसलिए नहीं काट रही हूँ क्योंकि इनकी छाया में ही हमारी ये ढेर सारी जो है बोगनवेलिया के कलम तैयार हो रहे हैं। देखिए यहाँ से लेके और उधर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए यहाँ ये तमाम यहाँ बोगनवेलिया की कलम तैयार हो रही है। ये देखिए एक बहुत सुंदर सा मैंने पौधा निकाल लिया था, अब नहीं निकालूंगी इनको मैं, जब ये थोड़े से मजबूत हो जाएंगे अच्छे हो जाएंगे तभी इनको मैं लूंगी। और मौसम अच्छा हो, सबसे बड़ी बात मौसम अच्छा हो जाएगा। और बाकी इस साइड नींबू हैं हमारे जिनकी थोड़ी सी हमने कटिंग वटिंग प्रूनिंग की थी क्योंकि ये नीचे दब रहा था। तो दोस्तों ये हमारा नींबू जो है ना इसको बारहमासी कह सकते हैं, इसमें फूल भी आते रहते हैं, फल भी रहते हैं और इसके पके भी रहते हैं, मतलब बारह महीना हमको कभी भी नींबू खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए ऐसे गुच्छों में फले हुए हैं। तो दोस्तों नींबू की देखभाल के बारे में पूछे हैं, इसको कोई नहीं, साल भर में एक बार मछली का बेस्ट है जिसकी जड़ों में आप डाल दीजिए। ये देखिए हमने डलवाया है, ये जड़ खुदी हुई है ना तो इन उसमें नहीं डाल पाए क्योंकि जाने का रास्ता नहीं है। बाकी सॉरी ये देखिए इसमें भी डाला है, ये वाले में भी, ये मौसम्मी है और इधर भी मौसम्मी है और वो नींबू है, तो इनमें सब में हमने डाला है। हाँ उसमें नहीं डाल पाए, एक पौधे में नहीं डाल पाए क्योंकि वो उधर है। और दोस्तों ये देखिए हमारे पपीता कितना ज़्यादा पके हुए हैं, अब मैं कोशिश करती हूँ कि मोबाइल ऑफ करके पपीता तो कुछ तोड़ लूँ और एक आध दो आम तो। तो दोस्तों हमने कहा कि हम नहीं लेंगे आज, कुछ भी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ये तो हमारा दे ही देता है, हमारा जो ये है फ्रूट वेजिटेबल या कुछ कुछ, तो ये इस तरह से फ्रूट और वेजिटेबल कुछ न कुछ हमें मिल ही जाता है। तो हमने तोड़ लिया इतना पपीता नींबू और आम, बस इतने की ही ज़रूरत है। तो अब इसको लेकर हम चलते हैं, एक बर्तन लाना पड़ेगा क्योंकि एक हाथ से ये नहीं उठेगा। तो दोस्तों हमने तोड़ ली ढेर सारी सब्जी, इसमें हर तरह की सब्जी मिली है, भिंडी ककड़ी हर सब कुछ मिला हुआ है, टमाटर बैंगन। अब हम चलते हैं, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है, हमसे कुछ सीखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे और आप भी इस तरह से सब्जियां उगाएं। कई महिलाएं जो हैं बोल रही हैं कि हम आपको देखकर बहुत मोटिवेट हुए और हम उगाना शुरू किए, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अब मिलते हैं कल, धूप हो गई थोड़ी, 7:15 बज रहे हैं और 7:15 बजे इस तरह की धूप है दोस्तों जो आँखों में लग रही है और शरीर में भी लग रही है। तो अब मिलते हैं कल। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।